भाई तो अभी अभी आए हैं, सामान वगैरह लेके देख भाई, खाना लाए हैं भाई, भूख लग रही थी बड़ी तेज आज। अबे रश, चल ठीक है, चाय के साथ खाने में मजा आएगा, बढ़िया। अजला लंदन बेकरी गया था क्या? क्या लाया? वो भाई साहब, सेम है क्या? तो भाई मैं कहाँ हूँ 10 दिन से। 10 दिन से मैंने कोई अपलोड नहीं दिया है। ये है भाई मेरा घर, और अमेठी हम इस वजह से गए थे क्योंकि हमारा एक इवेंट था, ठीक है। वो सब चीज कंप्लीट करके फाइनली मैं घर आ गया हूँ भाई। और दिल्ली में क्या तोड़ तोड़ वाली गर्मी हो रही है ना, तुम्हें आइडिया भी नहीं है भाई। और आईवीएस की आवाज प्रॉपर आ रही हूँ क्योंकि मैं रोड का अपना माइक यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना 150 रुपए वाला माइक यूज कर रहा हूँ जो मैंने अमेजोन से मंगाया था। प्लस ऐसा नहीं होता कभी कभी कि तुम कोई चीज बहुत टाइम से ढूंढते जा रहे हो और वो तुम्हें मिल नहीं रही है, ठीक है। और सडनली तुमने एक जगह पे ऐसे रेंडमली हाथ मारा, आंख बंद करके, मतलब वैसे तो आंख खुली थी मेरी, ऐसे रेंडमली एक जगह हाथ रखा है या फिर कहीं कुछ ढूंढ रहे हो तुम हाथ से ना, और फाइनली तुम्हें वो चीज मिल जाती है जो लगभग तुम्हारी 8-9 महीने से गायब है, जिसको तुमने बहुत शिद्दत से ढूंढा है और बहुत ही आराम से ढूंढा है, पर वो फाइनली मिल जाए। तो भाई ये है मेरी गोप्रो की डाटा केबल, मतलब चार्जिंग केबल। और ये मेरे से खो गई थी जब मैं बद्रीनाथ से निकला था लास्ट डे। वहां पे मेरे को लगा था कि ये मैंने वहां छोड़ दी है, और ये फाइनली मेरे को आज मिली है, और सच में आज मिली है मेरे को ये, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज कोई ढूंढने का भी सीन नहीं था, कुछ नहीं था, फाइनली मिल गई। हाँ तो मैं ये कह रहा था भाई कि अमेठी हम एक इवेंट के लिए गए थे जो हमने पूरा कंप्लीट किया था, और जो ये वाला ब्लॉग तुम देखने वाले हो ये प्रतापगढ़ के एक छोटी सी बेकरी के बारे में भाई, मतलब लंदन बेकरी के नाम से वो शॉप है। और सच बता रहा हूँ, अगर आप प्रतापगढ़ से वाला ब्लॉग देख रहे हो और अगर प्रतापगढ़ में आपने लंदन बेकरी से खाना नहीं खाया तो आप प्रतापगढ़ में हो क्यों, ये बताओ बस भाई। सच में बहुत ही टेस्टी खाना है भाई, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। अभी अभी जस्ट मैं देख रहा था तो मेरे को थोड़ा ध्यान आया तो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग कंटिन्यू करो ये वाला ब्लॉग, बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में। मेरे को एक रील भी शूट करनी है अभी अपने दूसरे चैनल के लिए, और काफी दिनों बाद ही वाला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं तो। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग फिर ज्वाइन हुए हो। देखो कैसे देखता है। ओ भाई, भाई मुंह में पानी आ गया भाई। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम प्रतापगढ़। ठीक है, हेलो जी, ठीक है। अभी सीन ऐसा है, अभी सीन ऐसा है कि तुम लोगों ने इससे पहले वाले स्टोरी में देखा होगा कि अमित भाई जो है उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब अपना कनेक्शन नहीं है भाई, बात खत्म। अभी ना ब्लॉग में लेने वाला ना कुछ, बंदे ने छोटी सी बात का बुरा मान लिया। मतलब इन्होंने भी कुछ कही थी मेरे को बात, वो मैं कैमरे के आगे नहीं कह सकता, पर वो ज्यादा बुरी थी, समझ रहे हो। तो अब मैं अमित भाई को नहीं लूंगा अपने कैमरे में। प्लस यहाँ पे देव है, यहाँ पे अभिरंजन है, फिलहाल इसका नाम भी मेरे को धीरे धीरे याद हो रहा है। आज गर्मी बहुत ज्यादा है यार, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। और ये जो है ये अमित भाई है, मैं दिल का एक्चुअली बुरा नहीं होता, मैंने कहा ले लेता हूँ यार ब्लॉग में, कोई बात नहीं। पहले इस लोग को स्टार्ट कर लेते। गुड मॉर्निंग इंटरनेट, मैं हूँ सौरभ दीवान और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी। और कल हमने कहा लंदन बेकरी था ना, वो प्रतापगढ़ में कोई लंदन बेकरी है भाई, कसम से भाई, उससे खाना मंगाया था भाई। वो मंगाया गया था, देव वगैरह लेके आए थे, देव ये अभिरंजन वगैरह लेके आए थे भाई। बहुत ही टेस्टी खाना था भाई, बहुत ही टेस्टी कप केक। तो भाई तो ये लंदन बेकरी जिससे हमने वो मंगाया था देर, और बहुत खाना खा के चले इसी से ही खाई लेते। टाइम तो हो रहा, 2 तो बज रहे हैं यार, 1 घंटा जाने में लगा, 3 बज जाएंगे, वहाँ कुछ है ही नहीं खाने के लिए। क्या बोलता है देव, जल्दी सोच, लेट्स गो, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो खाने के लिए। जाने के लिए गेट खोला तो इसने बंद कर दिया फिर। अबे चल, क्या है, चलना अंदर। अबे यार पोपट हो गया, प्लान चेंज गाइस, अभी नहीं जा रहे लंदन बेकरी। अबे क्या कर रहे हो भाई, खाना है नहीं खाना है, जो मेरा भाई बोलेगा मैं वो। फेस से चेंज गाइस, अभी आ गए हम लंदन बेकरी, इस भैया को फेमस करेंगे, ठीक है। ये रहा, अभी हम जा रहे हैं, हम एक्चुअली 2 तो बज ही गए हैं यार। देखो मैंने अभी गुड मॉर्निंग कहा था, गुड मॉर्निंग मैंने इस वजह से करा था क्योंकि तुम 9 बजे देख रहे हो वाला व्लॉग, फोटो ले रहे हो उसकी। वो बंदा भी आ गया फोटो खिंचवाने के लिए। ये है भाई लंदन बेकरी, अभी हम इसके जाएंगे। वहाँ एक्चुअली हम जहाँ जा रहे हैं ना लोकेशन पे शूट पे, वहाँ में खाने को मिल नहीं रहा है प्रॉपर। और कल रात इसका खाना खाने के बाद हमें लगा कि हमें खा लेना चाहिए यहीं पे, क्योंकि 2 तो बज ही रहे हैं, तो यहीं खाते हैं और निकलते हैं फिर खाने के लिए। तो भाई ये लंदन बेकरी प्रतापगढ़ में, जो आपने कप केक दिए थे ना वो ऐसे में थे, चॉकलेट में थे, पर वो कुछ तो बनाने की कोशिश कर रहा है। स्नैपचैट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैं कुछ
ऐसा लगूंगा मैं बूढ़ा हो। कमाल कमाल के फिल्टर है भाई इसमें तो, अच्छा है, नाइस। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमेठी। अभी हम बोलिए हम कहाँ हैं, कहाँ हैं अभी हम? बाय बाय प्रतापगढ़, दोबारा मिलेंगे भाई, हमारी जाने की बस। यहाँ पे सीधा नहीं हो सकता, ऐसे जाना पड़ता। तो भाई अभी हम जिस बस में ना, मैंने इससे पूरी बस अपनी लाइफ में नहीं देखी। अभी अभिरंजन भी यहीं पे है, देव भी यहीं पे है, और हमें 1000 रुपये की बस पड़ी है। और सच बता रहा हूँ भाई, इससे कहीं ज़्यादा गुना बेटर ना इंटरसिटी वाली बस थी भाई। तो भाई लोग, दिल्ली में आपका स्वागत है, फाइनली दिल्ली पहुँच गए। और माँ कसम भाई, इतनी बेकार बस थी ना, आगे से कभी भी मैं बिल्कुल भी ऑफलाइन बस नहीं करने वाला कभी भी। देखो भाई, मेरे को मजाक नहीं, मेरे को हल्का सा भी आइडिया नहीं है ये झनझनाहट जो आती है ना, ये किस लिए आ रही है। अभी मैं एक चीज और ट्राई कर रहा हूँ, मैं एसी ऑफ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने भाई एसी ऑफ कर दिया, अभी भी है अगर झनझनाहट आ रही है तो माइक में प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे जैक है ना इसका, जहाँ पे होल्डर है माइक लगने का, उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है मेरा, रोड का माइक बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरा। 150 रुपए वाला तो पहले से ही बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है भाई, मुझे ऑनेस्टली यकीन नहीं है। पर हाँ, अभी हम बात कर लेते हैं कि भाई ये सेम टी शर्ट पहनी हुई थी मैंने एक हफ्ता पहले, नहीं मतलब हाँ एक हफ्ता लगा लो, ठीक है। मैंने सेम टी शर्ट पहनी हुई थी, अभी भी मैंने सेम पहनी हुई है, ये मेरे को एडिटिंग में पता चला। प्लस और दीपक भाई से तुम्हें पता होगा, छोड़ो मैं दिल्ली आ गया था, एक अलग कंटेंट की, अलग मतलब बाइक की बात अलग अलग वीडियो में करेंगे, इस वाले वीडियो में बात कर लेते हैं भाई। लंदन बेकरी का मैंने खाना क्यों नहीं दिखाया, जितना मैंने रिकॉर्ड किया मैंने दिखा दिया, और खाना सच में बहुत ज्यादा अच्छा था भाई। क्योंकि जब वो आ रहा था ना, उसकी स्मेल, उसका दिखने का तरीका और उसका खाना, उसका जो जाते हुए टेस्ट था ना उसका, उस चक्कर में मैं रिकॉर्ड करना भूल गया ऑनेस्टली। अगर नेक्स्ट टाइम गया तो मैं पक्का रिकॉर्ड करूंगा। पर अब अगर आप प्रतापगढ़ से देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आप एक बार लंदन बेकरी जाए भाई, वहाँ के कपकेक ट्राई करें, और ऑनेस्टली पालक पनीर वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी है, ऐसा देव ने बोला। पालक पनीर मैं ऑनेस्टली मैं नहीं खाता तो मेरे को पता भी नहीं, पर उसने बोला कि नेक्स्ट लेवल सच में, इतना अच्छा टेस्ट वहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मिलेगा, पर वहाँ मिला। चलो ठीक है, वो भी ठीक है। और हमारा लास्ट डे था शूट का, ठीक है, उसी दिन हमने बस करी, हम लखनऊ गए। लखनऊ में हमने एक लोकल बस बुक कर था, कोई शॉप थी जिसकी, जिससे हमने बस बुक करी थी, उसकी बस 5 किलोमीटर दूर खड़ी हुई थी। हमारा बिल्कुल पीक टाइम था कि वो लास्ट बस है, अगर हमने नहीं करी तो शायद ही हमें कोई और बस मिलेगी। लगभग 11:30 बजे की वो बस थी, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, 1000 रुपए की वो बस हमने जो करी है ना, कभी भी लोकल वेंडर से बुक मत करना भाई, इंटरसिटी की बस लो या तो फिर रेड बस से कोई भी बस कर लो भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, रेड बस से कोई भी बस कर लो, बस एक बार देख लेना कि कैसी है। इंटरसिटी की बस बहुत ही अच्छी है भाई, बस वो रुकती नहीं है, वॉशरूम बहुत अच्छा है, सच बता रहा हूँ ना, इसका वॉशरूम अच्छा था इस बस का ना, इस बस में मतलब कोई अगर बीमार आदमी है ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई अगर बीमार है जिसको सांस लेने में तकलीफ होती है, ठीक है, जिसको एंजाइटी होती है कि वो एक वो जैसे बंद कमरे में जैसे घुटन होती है जिस बंदे को, ठीक है, वो प्रॉपर उसको उसकी स्किन को भी सांस लेने की आदत है, जो खुला आदमी होता है, मेरे को गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को गाड़ी और इसलिए बताऊं तो बंद सा हो जाता हूं मैं, मेरे को बाइक ज्यादा पसंद है लॉन्ग ट्रेवल के लिए, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन वाला बंदा भाई नहीं हैंडल कर पाएगा वो वाली बस में, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हम कितनी मुश्किल से पहुंचे ना हमें पता है, मैं तो सो भी गया था, देव तो सोया भी नहीं पूरी रात, ठीक है। चलो छोड़ो वो सब छोड़ो, अभी मैं दिल्ली में भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा करते हैं, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना रखते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और ख्याल रखे अपनों का, अपना बाय बाय। और अभी कैमरा दूर है और एसी बंद है, मेरे ख्याल से तो आवाज नहीं आ रही होगी अब झनझनाहट की, और अगर अभी भी आ रही होगी तो मैं एसी ऑन कर देता हूँ। पीस आउट गाइस।